हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्याला दृष्टि, टीचर ऑफ श्री विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 10, डायरेक्शन एंड लोकेशन फॉर क्लास 1, सब्जेक्ट ईवीएस। चैप्टर नंबर 10, डायरेक्शन एंड लोकेशन। Activity. Recite these rhymes with your teacher with action. अपने शिक्षक के साथ क्रियाओं के साथ इस कविता का पाठ पढ़ें। Put your right hand in. अपने दाहिने हाथ को अंदर डालें। Put your right hand out. अपने दाहिने हाथ को बाहर रखें। पुट योर राइट हैंड इन, अपने दाहिने हाथ को अंदर डालें। एंड शेक इट ऑल अबाउट, और उन्हें हिला सकते हैं। डू द बुकी बुकी, अब बुकी बुकी करो। एंड टर्न योर सेल्फ अराउंड, और अपने आप को चारों ओर मोड़े। That's what it's all about. इस सब का मतलब यही है। Do the boogie boogie. अब boogie boogie करो 3 times. That's what is all about. इस सब का यही मतलब है। Put your left hand in. अपने बाएं हाथ को अंदर डालें। Put your left hand out. अपने बाएं हाथ को बाहर लाएं। पुट योर लेफ्ट हैंड इन, अपने बाएं हाथ को अंदर डालें। एंड शेक इट ऑल अबाउट, और उन्हें हिला सकते हैं। डू द बुकी बुकी, अब बुकी बुकी करो। नोट, टीचर शुड कंटिन्यू द राइम्स शोइंग अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड स्ट्रेसिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट। तो टीचर के साथ आपके दूसरे भी बॉडी पार्ट को उपयोग कर सकते हैं और राइट और लेफ्ट घुमा सकते हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट डायरेक्शन। इस पाठ में हम निर्देशों का सीखेंगे, कौन से डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, इन फ्रंट एंड बिहाइंड, बिलो एंड अबो। तो यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट यानी कि दाएं बाएं, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, एंड बिहाइंड यानी कि पीछे, बिलो यानी कि नीचे, एंड अबो यानी कि ऊपर, एंड लोकेशन यानी कि और स्थान। तो कौन कौन से स्थान है, अंडर, अंडर यानी कि नीचे, ऑन यानी कि किसी के ऊपर, इन यानी कि अंदर, ऑन टॉप ऑफ यानी कि किसी के बहुत ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमें इस लेसन में सीखनी है। डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन सीखेंगे। लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं। आई एम सैम, मैं सैम हूँ। कैन यू सी माय फैमिली, क्या आप मेरे परिवार की फोटोग्राफ है वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो फैमिली की फोटोग्राफ है, किसकी, सैम की फैमिली की। आई एम स्टैंडिंग इन द सेंटर, तो सैम कहाँ पे है, मैं बीच में खड़ा हूँ। तो ये बीच में जो खड़ा है वो कौन है, सैम है। माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट, मेरी जो मदर है यानी कि मम्मी है वो मेरे बाई ओर खड़ी है। तो ये रही सैम की मदर, सैम के बाई ओर खड़ी है। माई मदर इज स्टैंड, My father is standing on my right. जो
सैम के फादर हैं वो सैम के दाहिने ओर खड़े हैं। इन फ्रंट एंड बिहाइंड, इन फ्रंट यानी कि सामने और बिहाइंड यानी कि पीछे। कैन यू सी माई स्कूल फोटोग्राफ, क्या आप मेरे स्कूल की तस्वीर देख सकते हो? यहाँ पे देखो बताई गई है स्कूल की तस्वीर। वी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फॉर अवर असेंबली, तो हम अपने असेंबली हॉल में एक लाइन में खड़े हुए हैं। सीमा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो सीमा है वो मेरे आगे खड़ी है। तो इसमें से सैम कहाँ है, ये रहा, और उसके आगे कौन खड़ी है, सीमा। तो सीमा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो सीमा सैम के आगे खड़ी हुई है। अरुण इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, अरुण है यहाँ पे, अरुण कहाँ पे देखो, ये रहा, तो अरुण है वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, यानी कि बिहाइंड। बिहाइंड यानी कि पीछे और इन फ्रंट यानी कि आगे। तो सैम बीच में है, उसके इन फ्रंट यानी कि आगे कौन है, सीमा, और उसके बिहाइंड यानी कि पीछे कौन है, अरुण। ओके, बिलो एंड अपो, नीचे और ऊपर। बिलो यानी कि नीचे, अपो यानी कि ऊपर। हियर इज माई फोटोग्राफ इन द पार्क, तो यहाँ पे पार्क में मेरी एक तस्वीर है। आई हैव एन अम्ब्रेला अबो माई हेड, मेरे सिर के ऊपर एक छाता है। देखो यहाँ पे सैम है तो उसके सिर के अबो, अबो यानी कि ऊपर, तो ऊपर क्या है, छाता है। आई हैव ग्रास बिलो माई फीट, मेरे पैरों के नीचे घास है। तो बिलो यानी कि नीचे, तो सैम के बिलो द फीट क्या है, ग्रास है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। उसमें पहला है, फर्स्ट, ड्यूरिंग साइकिलिंग ऑलवेज सी ब्लैंक, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें कहाँ देखना चाहिए, ए इन फ्रंट, बी बिहाइंड, सी अप। तो हम साइकिल चलाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सामने देखना चाहिए। तो सामने के लिए क्या आएगा, इन फ्रंट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। सेकेंड, ऑन अ रेनी डे वी यूज अन अम्ब्रेला ब्लैंक अवर हेड, जब बारिश की मौसम होती है, बारिश गिरती है, तो वी यूज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यूज हम करते हैं ब्लैंक अवर हेड, हेड के ऊपर, ऊपर करते हैं ना, या नीचे, ऊपर करते हैं। तो ऊपर के लिए क्या आएगा, ए बिलो, बी अबो, सी बिहाइंड। तो आंसर में क्या आएगा बच्चों, अबो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अबो पे टिक करेंगे। लोकेशन, लोकेशन यानी कि स्थान। द कैट इज अंडर द चेयर, तो जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे है, अंडर यानी कि नीचे। द बुक इज ऑन द टेबल, तो जो बुक है टेबल के ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या आएगा, ऑन। ओके, द स्ट्रो इज इन द ग्लास, जो स्ट्रो है ग्लास के
अंदर है, तो अंदर के लिए क्या आएगा? इन। द बैग इज ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड। बैग अलमारी के ऊपर है, तो ऑन टॉप ऑफ यानी कि ऊपर, सबसे ऊंची जगह होती है उसके लिए ऑन टॉप ऑफ यूज़ किया जा सकता है। तो अंडर यानी कि नीचे, ऑन यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, इन यानी कि अंदर, ऑन टॉप ऑफ यानी कि सबसे ऊंचाई वाली जगह पे, उसका मतलब भी ऊपर होता है पर ऊंची जगह पे होता है। नाउ एक्सरसाइज टाइम। ए ओरल क्वेश्चन। फर्स्ट नेम एनी टू डायरेक्शन, तो हमें टू डायरेक्शन के नाम देने हैं। आंसर लेफ्ट एंड राइट आर टू डायरेक्शन, तो लेफ्ट और राइट है वो क्या है? दो डायरेक्शन है। सेकेंड वेयर डज योर टीचर सिट इन द क्लास, आपकी टीचर क्लास में कहाँ बैठती है? आंसर माई टीचर सीट इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरी टीचर है वो मेरे आगे यानी आगे सामने बैठती है। बी क्विज नेम द फोर लोकेशन, तो हमें फोर लोकेशन के नाम देने हैं। आंसर अंडर यानी कि नीचे, ऑन यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, इन यानी कि अंदर, ऑन द टॉप यानी कि किसी चीज़ के बहुत ऊपर, आर द फोर लोकेशन, ये सारे क्या है? फोर लोकेशन है, स्थान है। टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हमें टिक करना है। पहला है वी शुड कीप अवर क्लोथ ब्लैंक द कपबोर्ड, तो कपबोर्ड के ऊपर रखना चाहिए अंदर रखना चाहिए, तो आंसर में क्या आएगा? ए ऑन, बी इन, सी अंडर। अंदर यानी कि क्या होगा? इन, तो आंसर में क्या आएगा? इन। सेकेंड वी शुड सीट ब्लैंक द चेयर, तो हमें चेयर के कहाँ पे बैठना चाहिए? ऊपर नीचे या अंदर बाहर, क्या आएगा आंसर? ए अंडर, बी बिलो, सी ऑन, तो चेयर के ऊपर बैठना चाहिए ना, तो आंसर में क्या आएगा? ऑन। थर्ड अ रैबिट मेक्स इट्स बोरो ब्लैंक द ग्राउंड, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए ऑन टॉप ऑफ, बी अबो, सी अंडर, तो आंसर क्या आएगा? ऑन टॉप ऑफ। फोर दिया हेल्प्स ऑन ओल्ड लेडी इन फाइंडिंग हर स्पेक्टिकल्स, दिया है वो ओल्ड लेडी के स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे ढूंढने में मदद कर रही है। विच वेयर अंडर द चेयर, जो चेयर के नीचे है। व्हाट वैल्यू लर्न फ्रॉम दिया, तो दिया से हम क्या सीख सकते हैं? ए काइंडनेस, बी टू बी हेल्पफुल, सी पंचुअलिटी, तो दिया से हम क्या सीखेंगे? टू बी हेल्पफुल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डी फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उसको हमें ब्लैंक्स में लिखना है। फर्स्ट द ग्रास इज ब्लैंक माय फीट, तो ग्रास कहाँ पे होती है? पैर के नीचे, नीचे का क्या होगा? बिलो, तो आंसर में क्या आएगा? बिलो।
Second, the books are blank the box. जो books है टेबल के कहाँ पे होती है? ऊपर. तो ऊपर के लिए क्या आएगा? On. Third, the straw is blank the glass. तो straw कहाँ पे? Glass के अंदर है. तो अंदर के लिए क्या आएगा? In. तो आंसर में क्या आएगा? In. Four, Sam's mother is standing on his blank. तो सैम की मदर कहाँ पे खड़ी है? उसके लेफ्ट साइड में. तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? लेफ्ट. फाइव, अरुण इज स्टैंडिंग ब्लैंक सैम. तो अरुण है वो सैम के पीछे खड़ा है. तो पीछे यानी कि बिहाइंड. तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? बिहाइंड. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें मैच करना है. तो पिक्चर है और उसके नेम है. तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है? बेकर है. तो बेकर कहाँ पे है? सी में. तो वहाँ पे हम मैच करेंगे. सेकंड में क्या है? मेशन. तो मेशन कहाँ पे है? बी में है. तो वहाँ पे हम मैच करेंगे. थर्ड में क्या है? कारपेंटर है. तो कारपेंटर कहाँ पे है? डी में. तो वहाँ पे हम मैच करेंगे. फोर्थ में, फोर्थ में कौन है? डॉक्टर है. तो डॉक्टर कहाँ पे लिखा हुआ है? ए में. तो वहाँ पे हम मैच करेंगे. ओके बच्चों, सो स्टूडेंट राइट ऑल द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड बुक ऑल्सो. Thank you. Take care and goodbye.